अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और मेरी तबीयत अब कुछ ठीक है। और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। छोटा सा सरप्राइज़ तो ये था जो मैं आपको 50-70% अभी बता देता हूँ, बाकी 30% आप लोगों को मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर मुकम्मल वीडियो देखोगे तब सरप्राइज़ पता चलेगा सरप्राइज़ था क्या। बात दरअसल ये है कि अली की थी बर्थडे 7 जुलाई को। उसने मुझे तब ट्रीट नहीं दी थी, उसने कहा था चलो बाद में ले लेना। मैंने कहा चलो ठीक है बाद में दे देना। तो आज हम वो मुझे बर्थडे की अपनी ट्रीट दे रहा है। तो आज का व्लॉग छोटे मोटे क्लिप्स मैंने उस बर्थडे वाले दिन ही बना लिए थे लेकिन अपलोड नहीं किए थे। मैंने सोचा जब वो ट्रीट देगा तब वो मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपने अब वो क्लिप देखने हैं तो आप जाके वो पहले क्लिप देख के आए कि मैंने उसके लिए गिफ्ट क्या लिया था, जाएं आप वो देख के आए। सो वेलकम बैक व्यूवर्स, हम लोग आ चुके हैं अली के लिए गिफ्ट लेने के लिए। और जो अच्छी गेयर वॉच है ना, मतलब कि जो अच्छी भी और काफी असर चले वो मुझे आप वॉच दिखाएं। मेरी तसल्ली तो हो गई, मुझे तो मिल गया गिफ्ट उसके लिए। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए ऐसी वॉच तो आप लोग यहाँ के परचेज कर सकते हैं। शॉप नंबर 11 सुल्तान सेंटर कचहरी रोड मुल्तान। आप इसको पैक कर दें। चलें व्यूअर्स ठीक है, फिर आपको मिलते हैं घर जाके। सो व्यूवर्स आप लोगों ने देख लिया कि मैंने उसको ये वॉच गिफ्ट की थी। उसके अलावा आज दे रहा है वो बर्थडे की ट्रीट, और जिस जगह पे दे रहा है वो जगह सरप्राइज है। वो जगह मैं आपको पूरी घुमाऊंगा, इसलिए व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहीं पे अभी थोड़ा सा व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि उस जगह पे जाके कैप्चर ज्यादा करेंगे। चलें स्टे कनेक्टेड रहिएगा, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक तैयार व्यार होकर। वीडियो मुकम्मल वॉच करने जिसने चैनल सब्सक्राइब किया फौरन सब्सक्राइब कर ले। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स, तैयार हो चुका हूँ मैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। और चलें ठीक है, चलते हैं अली के पास और फिर चलते हैं अपनी जगह पे। और आप लोगों ने आज व्लॉग मुकम्मल वॉच करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी जगह घुमाने वाला हूँ आज। तो स्टे कनेक्टेड रहे मेरे साथ और स्टिल वॉच एंड, ओके, एंड तक आप लोगों ने वॉच करना है व्लॉग को और स्टे कनेक्टेड रहना है मेरे साथ। चलें ठीक है, ज्यादा लंबा व्लॉग नहीं करते, चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको उसी जगह पे। हम लोगों को आना था आज DHA फूड कोर्ट और ट्रीट दिया मुझे इस। हाँ भाई, कैसी फीलिंग्स हैं तेरी ट्रीट देने के लिए जब जाते हुए बताओ? घर जा रहे हैं, घर घर नहीं जा रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं। इसकी आदत है मजाक करने की, बस हम आ चुके हैं DHA फूड कोर्ट और हम फर्स्ट टाइम आए हैं। हम DHA फूड कोर्ट में फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे इसने, मैंने इसको पहले ही बोला था कि भाई ट्रीट लूँगा तो अपनी मर्जी की जगह पर लूँगा, तो इसलिए मैंने कहा कि DHA फूड कोर्ट ही चलते हैं। तो आज हम आपको घुमाएंगे DHA का पूरा फूड कोर्ट। चलें ठीक है, बैठते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर के लेने के लिए। एक तो इस्माली से मैं बहुत तंग हूँ, जब मैं व्लॉग बनाने लगता हूँ अपनी मशीन चला लेते हैं होती है, मतलब आप उनको अपना नंबर लिखवा लो और उसके बाद आपकी टेबल रिजर्व होती है, फिर वो आपको कॉल कर देते हैं कि सर आ जाएं, आपकी टेबल रिजर्व हो चुकी है। बाकी सब लोग यहाँ खाना वाना खा रहे हैं और फूड कोर्ट में ऐसा कुछ है नहीं दिखाने को, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों ने स्टे कनेक्टेड रहना मेरे साथ और जैसे खाना भी आएगा खाना भी हम आप लोगों को दिखाते हैं और फूड कोर्ट में आप लोगों को घुमाता हूँ। एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल थी, वो आप लोग जाके देखें। अभी तक हमें जगह नहीं मिली DHA में, मतलब क्या इतनी जितना रश है यहाँ पर और टेबल रिजर्व करानी पड़ती है। हम रिजर्व तो कराया, जैसे कोई उठेगा तो हमें कॉल आ जाएगी। और जब तक मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा DHA वगैरह घुमा ही दूँ। यहाँ पे सिर्फ फूड कोर्ट है, ये फूड कोर्ट है एक अच्छे वाला, और मतलब सारा फूड कोर्ट एक ही है, बस उन्होंने स्पेसेस अलग अलग बनाई हुई हैं। सामने देख सकते हैं
ये भी इनका एक प्यारा सा व्यू बना हुआ है जहाँ पे, और ये यहाँ के आइसक्रीम पॉइंट्स हैं, क्योंकि खाने के बाद बहुत से लोग आइसक्रीम को लाइक करते हैं बट मैं नहीं करता। सो ये इनके आइसक्रीम पॉइंट्स हैं, और चलिए इनसे रेट पूछते हैं इनके आइसक्रीम का। अस्सलाम वालेकुम, आपके आइसक्रीम का क्या प्राइसेस हैं जी? प्राइसेस क्या हैं आइसक्रीम के? अरे कहना क्या चाहते हो? 150 सही है, अच्छा है, सही है, मतलब इतनी महंगाई नहीं है यहाँ पर है। तो आप लोग देख सकते हैं DHA में भी आके आइसक्रीम में इतनी महंगाई वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू भाई। तो अच्छा है, मतलब कि इतना हालांकि एक्सपेंसिव होना चाहिए लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है, रीजनेबल प्राइसेस हैं, आप लोग भी आके घूम सकते हैं, खा सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो चलता हूँ इनके कुछ पॉइंट्स घुमाने के लिए जहाँ पर लाइव बारबेक्यू बन रहा होता है। दिखाता हूँ कुछ इनके लाइव से, देख सकते हैं आप। सही, खाना सारा यहीं से जाता है लाइव? ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कितना फ्रेश बना रहे हैं सब कुछ। सही, ये हॉट सॉस भी है यहाँ पर सारे खुली फिजाओं पर। ये किचन है आप लोगों का? एक ही किचन है? सही सही, एक ही किचन है। ठीक है, थैंक यू। सो आप लोग देख सकते हैं कि इनका किचन भी ऐसा है कि सब लोग लाइव देख सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तबंदियाँ होती है ना और फूड के लिहाज से। तो मैं आपको किचन घुमा सकता हूँ क्या? अंदर आ सकता हूँ? हाँ भाई, अंदर आ सकते हैं। सो वीवर, आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेश चिकन कट हो रहा है यहाँ पर, और हम लोग अंदर आ चुके हैं और भाई भी काफ़ी अच्छा चिकन कट कर रहे हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस है इन लोगों को कि आप लोग देख सकते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा, मतलब कि यहाँ पे फ्रेश कट, मतलब कि रोटियाँ वगैरह भी देखें आप लोग, नान वगैरह जो मर्ज़ी चाहें। चलें ठीक है, वापसी बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाहर से इनका व्यू। हेलो, यहाँ पे लाइव कुकिंग हो रही है और काफ़ी इनका स्टाफ काफ़ी अच्छा है यार। किसी को अलाउ नहीं होता कि अंदर आके वीडियो बनाओ, मगर उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका कि आप वीडियो बना सकते। ये पूरा का पूरा व्यू, चले मैं आने आपको DHA फूड कोर्ट पूरा का पूरा घुमा दिया है। अब मैं आएगा खाना दिखाऊंगा, व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए चलें स्टे कनेक्टेड रहें आप मेरे साथ। चलें यार प्लीज़ यार, दोस्तों में शेयर कर दें और फिर मिलते हैं आपको जैसे खाना आते या हमें जगह मिलती है। काफ़ी टाइम बाद शुरू हुआ ये वाटर फॉलिंग, है ना, जब से हम आए हैं तब नहीं हुआ। ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा वाटर फॉल, हमारे ऊपर पानी ना आ जाए। हाँ पता चले, मैं अभी आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा वाटरफॉल लग रहा है। अच्छा, कलर्स भी हैं इनके अंदर, म्यूजिक का प्ले हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना ये। आप लोग देख सकते हैं, वाओ वाओ, इतना अच्छा लग रहा है। सो व्यूवर्स, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए, और यहाँ काफ़ी सुकून है और बादल भी गरज रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है यहाँ पर। मौसम बहुत अच्छा, ठंडी हवा और सुकून, आप लोग देख सकते हैं कि वाटरफॉल और रेस्टोरेंट, ये म्यूज़िक, एवरीथिंग इज़ पीसफुल। मगर ये लोग काफ़ी वेट करा रहे हैं, अभी तक हमें डाइनिंग मतलब टेबल ही नहीं मिली, हमें कोई 1 घंटा 30 मिनट हो गए हैं बस। ये चीज़ इनकी बहुत बुरी है, देखो अब टेबल कब मिलती है। आखिरकार इतनी मशक्कत के बाद, पूरे 1 घंटे के बाद हमें जगह मिल गई, बस अब ऑर्डर करते हैं। लेकिन ऑर्डर अब पता चले ऑर्डर को भी आते हुए ना, वो 1 घंटा लगा दिया ऑर्डर लेके आने में। A few moments later. So viewers, जिस चीज़ का डर था आखिर वो हो ही गया। आप लोग देख सकते हैं कितनी तूफानी बारिश, सब लोग बाहर से उठ के अंदर आ चुके हैं और अंदर भी हाउसफुल हो चुके हैं। आप पता नहीं हमारा ऑर्डर कब लेते हैं और कब हमें डाइनिंग पे खाना मिलता है। काफ़ी देर से भूख लग रही है और सर में फुल टाइम दर्द हो चुके हैं हमारे, और यहाँ आप देख सकते हैं फुल टाइम तूफानी बारिश। ऐसे लग रहा है कि हम विंटर में घूम रहे हैं, सर्दियों में घूम रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि हम जुलाई में यहाँ पर आए हैं। और काफ़ी मज़े का मौसम हो चुका है, मगर हम लोग फुल टाइम थक चुके हैं और बस क्या एंजॉय करें हम लोग, हमें बहुत भूख लग रही है। और 2 घंटों बाद हमें टेबल मिली और टेबल के बाद हमें बारिश हो गई, अब हम क्या करें यार। भाई बाहर हो चुके हैं बहुत तेज बारिश, इसलिए हम अंदर आके बैठ चुके हैं और अब ऑर्डर दे रहे हैं। 3 hours later. So, नाजरीनो हजरात, हमारे सामने हमारी पहली डिश आ चुकी है जो है स्पाइसी विंग्स। अब इसको खा के टेस्ट करके बताते हैं कि स्पाइसी विंग्स हैं कैसे।
सो व्यूअर्स, खाना भी आ चुका है हमारे सामने। ये है कढ़ाई, गोश्त चिकन में बनी हुई कढ़ाई है। और अब टेस्ट करते हैं तो फिर रिव्यूज घर जाके ही बताएंगे कैसे हैं, क्योंकि यहाँ तो नहीं बता सकते सबके सामने। तो हमने खाना बना तो खा लिया भाई, थैंक यू यार मेहरबानी आपकी प्लेट की। बाकी खाना कैसा था वो रिव्यूज आप घर जाके देंगे। घर बारिश हो रही है, बस अब निकलते हैं। मैंने बोतल पी नहीं ली थी, फिर ही मैं ठंडी बोतल पी जा रहा हूँ। चलता है, चले बस ठीक है। खाना वाना तो खा लिया हम लोगों ने, अब यहाँ से निकलते हैं। बारिश बारिश तो नहीं हो रही ना बाहर? नहीं, बारिश बाहर नहीं हो रही, बस ठीक है। व्यूअर्स, हम लोगों ने खाना वाना तो खा लिया, फ्री हो लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कितनी बारिश हुई है DHA फूड कोर्ट में, मतलब पूरे DHA में। और ये जनाब साहब बिल्कुल अफसोदा हो के बाहर जा रहे हैं। वो पूछें क्यों? वो इसलिए कि जनाब साहब 2 घंटे बाद तो हमारा खाना आया, इतनी आवाज़ारी के साथ खाना खाया और खाना भी हमें अच्छा नहीं लगा। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं DHA फूड कोर्ट था, और बस अब फुल DHA पूरा का पूरा घीला हो चुका है बारिश यहाँ पर। और चलें फिर ठीक है, घर जाके आप लोगों से मुलाकात होती है। स्टे कनेक्टेड रहे, तब तक आप। Few moments later. Welcome back viewers, घर आ चुके हैं। और आप लोगों ने वो मिसाल सुनी होगी ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, तो कुछ ऐसा ही था DHA का फूड कोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम लोग गए यहाँ से तो हमें 1 घंटा 45 मिनट, यार बहुत बड़ा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है ये तो। 1 घंटा 45 मिनट हम लोगों को लगे वेट करते हुए, सीट रिजर्व कराते हुए। उसके अलावा हम इतना थक चुके थे कि जब वो खाना आया तो बेमजा लगा हमें, और उनका खाने का टेस्ट मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अगर आप लोग DHA के शोशाहे में देके जाते हैं तो बेशक जाएं, लेकिन वहाँ का खाना और देसी खानों से अच्छा नहीं है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा वहाँ का टेस्ट। हो सकता है कि शायद इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि 1.5 घंटा जलील होने के बाद, वेट करने के बाद, उसके बाद वहाँ हो गई इतनी तूफ़ानी बारिश, और यहाँ इस तरफ हमारी तरफ बारिश नहीं हुई थी, वहाँ ज़्यादा बारिश हो गई थी। और आज का व्लॉग कुछ इस तरह से बना और कुछ इस तरह से आप लोगों से शेयर किया। सो व्यूवर्स, आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और कौन कौन DHA फूड कोर्ट गया हुआ है तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को उनका टेस्ट कैसा लगा। क्या पता उनकी वो चीज़ें अच्छी हैं जो हमने टेस्ट किया वो अच्छा नहीं था। चलो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। और आप लोगों ने खसूसी मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरा गला ठीक हो जाए, मेरी तबीयत दोबारा से वैसी की वैसी हो रही है। नाक बंद, सांस नहीं आ रहा, मगर मुश्किल हो रहा है मुझे बोलने में भी। चलो ठीक है, आप तो जो शानदार तरीके से हो जाएंगे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।